बेटा आगे बढ़ते हम, तो इसका फोर्थ का आंसर तो मैंने आपको नहीं दिया, बट स्टिल लॉजिक अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रहेगा तो आप दोबारा पूछिएगा मेरे से। चलिए इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ बलून इज असेंडिंग एट अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव ग्राउंड। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये एक बलून है, ये हॉट एयर बलून्स, जैसे हॉट एयर बलून आपने देखे ये वही है, ये नीचे बास्केट लगी है जिसमें लोग होंगे, ठीक है। ये बलून फिलहाल ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये एसेंड कर रहा है, और फिलहाल इसकी हाइट जो ग्राउंड से है दैट इज 39.2 मीटर, 39.2 मीटर। अच्छा जी, अब यहां से ना एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, इस फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया। देखो ड्रॉप करने का मतलब है आपने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं इंपार्ट की, ड्रॉप करने का लिटरेरी मीनिंग है कि आपने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट नहीं की, पकड़ के ड्रॉप कर दिया। अभी तक मैं आपको बता रहा था जब भी आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं, बट यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जिस बॉडी को आपने ड्रॉप किया, अगर बलून ऊपर जा रहा है ये हॉट एयर बलून, क्योंकि पत्थर भी तो उसके साथ साथ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस और नो? सर एक बार रिपीट कर दो ये चीज़। मेरा ये मतलब है कि अगर मैं अपनी जेब में एक, मैं अपने अपनी पॉकेट में एक पेन रखा हुआ और मैं भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो पेन की स्पीड कितनी है? सर उसकी भी उतनी होगी। हाँ, तो अगर ये हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, तो इसी के अंदर थी ये बॉडी जिसको ड्रॉप किया गया इस हाइट पे, तो इसकी स्पीड भी, इसकी वेलोसिटी भी वही होगी जो बलून की वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी वही होगी, मैग्नीट्यूड भी वही होगा, राइट? यस ड्रॉप करने का मतलब है हमने पकड़ के रिलीज कर दिया, ना हमने नीचे फेंका ना हमने ऊपर फेंका, कोई फोर्स नहीं लगाई, जस्ट रिलीज किया। तो इसका मतलब जिस मोमेंट पे हमने रिलीज किया, इससे पहले हम क्या कह रहे थे, जब बॉडी को रिलीज करते हम कह रहे थे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इससे पहले हम भी रेस्ट में होते थे तो बॉडी भी रेस्ट पे होती थी, बट अब ये बॉडी पहले ही ऊपर जा रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अब यहां पर इस हाइट पे आपने इस बॉडी को रिलीज किया, तो जैसे ही आपने इस बॉडी को रिलीज किया उस मोमेंट पे इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, दैट वॉज 9.8 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। इज इट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, तो यहां पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इस पे कितनी एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रही है, माइनस जी कह लो या -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और तो कोई एक्सेलरेशन इस पे है नहीं, एक ही एक्सेलरेशन है। हाँ, ये बॉडी जो ड्रॉप की दैट्स अ फूड पैकेट, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। अब मान लीजिए ये ग्राउंड पे टकराया, जब आपने ड्रॉप किया उस टाइम पे घड़ी आपने स्टॉपवॉच ऑन की, टाइम था जीरो। अगर यहां पे टाइम जीरो था तो यहां पे लेटर से जब ये नीचे ग्राउंड पे पहुंचा तो स्टॉपवॉच पे टाइम गिवन है आपको टी, तो स्टॉपवॉच पे टाइम कितना क्लिक किया इस टाइम, टी। तो एक तो आपको टाइम ऑफ फॉल चाहिए, कितनी देर के बाद ये ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, और दूसरा किस स्पीड के साथ स्ट्राइक किया, लेट अस से वेलोसिटी वी के साथ स्ट्राइक किया। अब देखो बेटा अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो पक्की बात है पहले ये थोड़ी देर तक ऊपर गया होगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी,
फिर ये ऊपर से नीचे आया होगा, है ना? ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं? यस सर नो? अरे भाई, अपने स्कूल बिल्डिंग की छत पे खड़े होके एक पत्थर ऊपर फेंकोगे तो क्या करेगा? पहले वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा ना। यस सर हाँ, तो वही चीज है, यस केस है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्टेड थी क्योंकि बलून की वेलोसिटी ये थी, तो इस फूड पैकेट की वेलोसिटी भी यही थी। तो जैसे आपने रिलीज किया तो एक्चुअली इसका पहले से मोशन अपवर्ड, तो ये ऊपर चलता जाएगा, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ऊपर से ये वापस नीचे की ओर आएगा। एंड लेट अस से इसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया स्पीड वी के साथ और टाइम टी पे, ये दोनों वैल्यूज हमें डिटरमिन करनी है। इसकी पूरी जर्नी के बारे में, ऊपर जाना नीचे आना सब कुछ मिला के टोटल आपको क्या पता है और क्या नहीं? इनिशियल वेलोसिटी यू नो, एक्सलरेशन यू नो, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां लिखी हैं। इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड और एक्सलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टाइम आपको डिटरमिन करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको डिटरमिन करनी है। क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जानते हैं कुछ? क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट? हाँ, क्या बेटा? सर उसकी हाइट दी हुई है हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। देखो, सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी ना। हाँ नेगेटिव होगी, जो जो क्वांटिटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, और फाइनल वेलोसिटी की देखते हैं। हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए, बट चलिए पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम चाहिए तो दो ऑप्शंस हैं, या तो वी पहले डिटरमिन कर लो। तो अगर वी डिटरमिन करना, हम यूज कर सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज ट्वाइस ए एस। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। यू की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 9.8, सो इट इज 9.8 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू -39.2। ठीक है, समझ आ रही है बात? कर पाएंगे आप? यस सर अगर आप चाहें तो इस तरह से भी यस को कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया 9.8 प्लस 2 इंटू 39.2, तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 48.6 आई थिंक, नहीं सॉरी 48.4, अरे नहीं 78.4, 78.4। एनीवे जो भी है, इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वी की, ये वी का स्क्वायर है, फिर अल्टीमेटली आपको इसका रूट डिटरमिन करना है, तो वी की वैल्यू आपको मिल सकती है। निमेश कीप क्वाइट। ठीक है, एक तरीका ये था। और जब एक बार v की वैल्यू आ गई तो अब आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। v आपको पता चल गया, u आपको पता है, a आपको पता है, तो क्या t की वैल्यू आ जाएगी? कर पाएंगे? यस सर। और दूसरा ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था, आप ये फॉर्मूला पहले यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हाँ, अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इससे पहले आप t की वैल्यू निकाले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है -39.2, u पता है, a आपको पता है, तो बचा सिर्फ t। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पहले t की वैल्यू निकाल लें, जब t की वैल्यू आ गई फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a होगा माइनस जी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां पर v की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है। हाँ, जब ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो साइन नेगेटिव नहीं आएगा, ये कॉमन सेंस है, हमें याद रखना है। यहां v का स्क्वायर है, इट इज v का स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। जब भी स्क्वायर आएगा तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, क्योंकि अदरवाइज वेक्टर्स में या तो a डॉट a होगा या a क्रॉस a होगा, सिंपली a स्क्वायर कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है, ए डॉट न्यूमेरिकली ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब सिंपली स्क्वायर आ रहा है ना, तो याद रखो ये मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू आने वाली है, यहां डायरेक्शन नहीं है।
इसलिए यहां आपकी वैल्यू वेलोसिटी की नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिंपली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। इज इट क्लियर? यस। अगर आप पहले ये यूज करते तो बी पहले मिलता, फिर आप टी निकालते, और दूसरा ऑप्शन ये, अगर ये इक्वेशन लेके चलोगे टी पहले मिल जाएगा फिर वी इज इक्वल टू, दूसरी बार ये इक्वेशन तो यूज करनी करनी है, तो उससे फिर आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? यस। ठीक है, तो अब बाकी वाले कराऊं या आप ट्राई करना चाहते हैं पहले? सर कर लेंगे ट्राई। नहीं, अगर आप चाहते हैं मैं करा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अभी आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए टूल है आपके पास। वो पांच क्वेश्चंस तक तो मैं हाँ करा ही चुका हूँ, अब बचे 6, 7, 8 और 9। हाँ बेटा ट्राई कर लो आप लोग, 4 क्वेश्चंस बचे हैं। तो मैं कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। कल मैंने मेंशन किया था ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ये रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का वीडियो मैं अभी पोस्ट करने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ आपको दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए, वीडियो भी देखना, लेकिन आपको ये काम करना है, इसको इम्पोर्टेंस देनी है बेटा, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब समझ लो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी डेवलप होगी फिजिक्स में, वो इस चैप्टर में डिसाइड हो जाएगा। इस चैप्टर के जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लिए हमेशा के लिए न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाएंगे। और इस चैप्टर में वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर थैंक यू सर वेलकम थैंक यू सर वेलकम गॉड ब्लेस यू ऑल।